ये शरीर कहाँ से आया, मतलब पिता के ईर्द में से आया। बकरी के शरीर में तो केवल खाद मिली, केवल पोषण मिला है ना, बीज पिता के शरीर में से आया। जैसे खेत में बीज किसान डालता है और खेत में से घर मिट्टी पानी खाद गर्मी सर्दी लेकर के बीज अंकुरित होता है और बीज के अनुरूप शरीर बनता है। अच्छा तो पिता के शरीर में कहाँ से आया, ये विचार हुआ। तो पहले से जीव था तभी तो अंगूर में से आया, गेहूं में से आया, उसमें जीव बनने की योग्यता थी तभी तो वहां से आया। तो ये अपने आप आया कि किसी ने उसको भेजा, बोले कर्म तो जड़ होते हैं, उनमें अपने आप किसी को बनाने की शक्ति नहीं होती है, कर्मानुसार ईश्वर इसका निर्माण करता है। अब आप जब अब तक शरीर की दृष्टि से देखेंगे तब तक कार्य कारण की परंपरा मालूम पड़ेगी। अब आप शरीर के भीतर जो वासनात्मक सूक्ष्म शरीर है उसको देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमें वासनाएं बैठी रहती हैं और उसके अनुसार आकृति मिलती है, और उसके भीतर और देखोगे तो अव्यक्त कारण शरीर जो है अविद्यात्मक तब वो बैठा हुआ है, तो उसका साक्षी आत्मा है और वो आत्मा देश काल वस्तु से अतरिक्षुण्य सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है। तो जब अपने को ब्रह्म जान लिया तो ब्रह्म में अंश ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म में माया नहीं है, और ब्रह्म में जड़ता का दृश्य का लोक नहीं है, उसमें प्रकृति नहीं है, महत्त्व नहीं है, अहंकार तत्व नहीं है, तो उसमें विराट नहीं है, उसमें पंचतन मात्रा नहीं है, उसमें पंच महाभूत नहीं है, उसमें ये कोटि कोटि ब्रह्मांड नहीं है, और उनमें तो उनमें ये शरीर नहीं है। तो जब शरीर की सत्ता कट गई तो प्रारब्ध की सत्ता कहाँ से सिद्ध होगी। इसलिए जब देह में बैठ करके विचार करते हैं तब प्रारब्ध की सिद्धि होती है। प्रारब्ध देहाभिमानी का होता है, प्रारब्ध ब्रह्मज्ञानी का, ब्रह्म जो अपने आप को ब्रह्म जानता है उसका प्रारब्ध नहीं होता। ब्रह्म का प्रारब्ध नहीं होता, देहाभिमानी का प्रारब्ध होता है। तो जब ब्रह्मज्ञान हो गया तो ब्रह्मज्ञानी ये नहीं मानता कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, बोला उसको तो दूसरे लोग श्रद्धा से ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। ये देखो हम किसी को कहें कि ये सोना को पहचानते हैं या हीरे को पहचानते हैं, हम कैसे कह सकते हैं? जब तक हम सोना को नहीं पहचानेंगे, हीरा को नहीं पहचानेंगे, तब तक किसी को सोना पहचानने वाला हीरा पहचानने वाला हम कैसे कह सकते हैं? बोले विश्वास है। तो अज्ञानी लोग जिसको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वो अपने विश्वास से अपनी श्रद्धा से मानते हैं, चाहे तुम शंकराचार्य को मानो हैं, और चाहे अपने गुरु को मानो है ना, और चाहे अपने मित्र को मानो, चाहे अपनी पत्नी को मानो, चाहे पति को मानो, लेकिन दूसरे को ब्रह्मज्ञानी मानना विश्वास है ना। असल में न हम ब्रह्मज्ञानी हैं न दूसरा ब्रह्मज्ञानी है, हम जो मालूम पड़ता है सो भी और दूसरा जो मालूम पड़ता है सो भी, ये दोनों प्रतीत होने वाले ब्रह्म ही हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्म न ब्रह्मवेत स्वयं, वो स्वयं ब्रह्म है, वो ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ब्रह्म उसके ज्ञान का विषय नहीं हुआ है, वो स्वयं ब्रह्म है। भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयते सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृश्ये परावरे। ये संभव है कि आप रास्ते में किसी भिखमंगे को देखें और वो नंगा हो चाहे लंगोटी पहने हो, काला काला शरीर हो,
दाढ़ी बड़ी हो और शरीर में मैल लगा हुआ हो और आप विश्वास करके जाके उसको प्रणाम करें, बोले ये ब्रह्मज्ञानी है, ये तो अवधूत है, ये तो दत्तात्रेय जी है, इसे आप मानने में स्वतंत्र है। आजकल इस ढंग की बात कुछ चल रही है, ये अमुक अमुक संत हैं, तो उन्होंने शंकराचार्य को गुरु दीक्षा दी थी, रामानुजाचार्य को भी उन्होंने दी थी, श्यामाचरण लाहिड़ी को उन्होंने दी थी, है ना, और उनसे मिले थे, अभी बिल्कुल जवान है ना, अभी मुंह की रेख उनके हाथ में उनके मुंह पर उठ रही है और गौर वर्ण है, बड़े बड़े बाल रखते हैं और वो अपने को कहीं जाहिर नहीं करते हैं, कहीं कामी के रूप में देखते हैं, कभी क्रोधी के रूप में देखते हैं, कभी लोभी के रूप में देखते हैं, पर है वो दत्तात्रेय गौर दादाचार्य है, दत्तात्रेयाचार्य है, वो हमको मिले हैं, भला ऐसे ऐसे लोग बता देंगे, है ना, हमारे गुरु जो हैं, हम शंकराचार्य को थोड़ी मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, थोड़े तो नहीं, कोई ऐसे भी आके कह देते हैं कि यही हम हैं। अभी हम वृंदावन गए थे तो हमारे पास 50 आदमी एक लड़के को लेकर आए थे, बोले अरे ये लड़का तो इसने तो कितनी बार राम को गोद में खिलाया है, कृष्ण को गोद में खिलाया है, शंकराचार्य जिसको प्रणाम करते थे, है ना, ये तो बड़ा भारी महात्मा। अब देखो अब ये तो बालक था बेचारा, बस उसको उन लोगों ने सिखा दिया था कि तुम चुप रहना बोलना मत, तुम चुप रहना बोलना मत। तो ये सब बात जो है, विश्वास का मार्ग दूसरा होता है और हृदय ग्रंथि के भेदन का मार्ग दूसरा होता है। ये आत्मा है चैतन्य, जड़ शरीर के साथ ये जो करे तो मैं कर रहा हूँ, ये जो भोगे तो मैं भोग रहा हूँ, ये जो बोले तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो सोए तो मैं सो रहा हूँ, ये जो चैतन्य साक्षी चैतन्य आत्म चैतन्य देश काल वस्तु का साक्षी चैतन्य देश काल वस्तु का अधिष्ठान चैतन्य ये अपरिणामी चैतन्य जो अपने को देह मान करके बैठ गया है ना, इसी का नाम है गांठ पड़ गई है, बोला अपने आप को न जानने से ये गांठ पड़ी है, ये ग्रंथि अविद्या मूलक है। तो देखो अविद्या से जो गांठ पड़ती है, अनजान होने से जो चीज मालूम पड़ती है, अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है, वो मालूम पड़ती हुई भी शक्ति नहीं होती, रीति होती है, और ज्ञान से जो चीज नष्ट हो जाती है वो ज्ञान होने से पहले भी नष्ट ही थी, और ज्ञान होने से जो चीज मिलती है वो ज्ञान होने से पहले भी मिली हुई थी। तो वेदांत में अप्राप्त की प्राप्ति नहीं मानते हैं, प्राप्त की निवृत्ति भी नहीं मानते हैं, नित्य प्राप्त की प्राप्ति थी, ज्ञान से नित्य प्राप्त की प्राप्ति सी होती है, माने अप्राप्ति का भ्रम मिटता है, और नित्य निवृत्त की निवृत्ति सी होती है। इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा में न बंधन है न आत्मा में मोक्ष है, आत्मा न परिच्छिन्न हुआ है, ये भ्रम से जो परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है, ये मालूम पड़ने पर भी हुई नहीं है और मिटने पर भी मिटती नहीं है, है ना, ये तो ज्यों का त्यों है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथ, ये जो दिल में गांठ एक पड़ गई है कि मैं जीव हूँ, मैं अंतकरण वाला हूँ, मैं देह वाला हूँ, तो जैसे एक पदवी अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, है ना, दारू वाला चमचा वाला, दारू वाला चमचा वाला कपड़े वाला, ऐसे जो अपने साथ वाला वाला जोड़ लेते हैं, वैसे ही अपने साथ जो जोड़ लिया गया है देह वाला, नाम है चमचे वाला, पर चमचे का व्यापार उनका नहीं है, बोला एक मानव हुआ है। तो इसी तरह से ये देह वाला जो अपने से माना हुआ है, ये दरअसल देह वाले हैं नहीं, ये मार सपने में मालूम पड़ता हुआ शरीर उसको देह वाला मान लिया। दुख देते हृदय ग्रंथ, हृदय की गांठ खुल गई और फिर मैं ब्रह्म हूँ कि मैं जीव हूँ कि मैं देह हूँ,
ये संशय मन में नहीं आएगा। बोला ज्ञान से मुक्ति होती है कि उपासना से, तो ये संशय मन में नहीं आएगा। अविद्या से बंधन हुआ है कि कर्म से, तो ये संशय मन में नहीं आएगा। बोला हम कर्ता भोक्ता हैं कि अकर्ता अभोक्ता हैं, तो ये संशय मन में नहीं आएगा। हम परिच्छिन्न हैं कि अपरिच्छिन्न हैं, ये संशय मन में नहीं आएगा। सारी शंकाओं की निवृत्ति हो जाएगी। हो निवृत्ति नारायण, जहाँ अपने स्वरूप को जाना ये अद्वितीय है, वहाँ फिर शंका के लिए स्थान कहाँ? संशय ही तो काट रहा है। अक्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परमति अवरम जस्मात्। कर्म माने कारणोपाधिक, ईश्वर भी जिससे अवर है, माने जितनी दूर में कारणोपाधि है, जितनी दूर कारणोपाधि है, कारणोपाधि में जो कार्य का उदय और विलय है, उतनी दूर में, उतनी देर में और उतने कर्म में, उतने नियमन में जो ईश्वर बैठा हुआ है ना, वो जिससे छोटा है, माने अनंत कोटि ब्रह्मांड भांडेश्वर जो है नारायण, भांडेश्वर महादेव, तो ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड भांडेश्वर है, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड काल, अनंत कोटि ब्रह्मांड देश, अनंत कोटि ब्रह्मांड के कार्य कारणात्मक रूप का नियंता है, तदवच्छिन्न है। परंतु तदवच्छिन्न और तद अनवच्छिन्न में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसलिए जो अद्वय ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म है, जहाँ काल की कलना नहीं है, तो जहाँ देश का निर्देश नहीं है, जहाँ द्रव्य का कोई भाग्य नहीं है, ऐसी जो वस्तु है उसका जहाँ ज्ञान हुआ, वहाँ जहाँ कर्ता ही मर गया, वहाँ कर्म का संबंध कहाँ से होगा? जहाँ भोक्ता ही मर गया, वहाँ भोक्ता का संबंध कहाँ से होगा? जहाँ परिच्छिन्नता ही मर गई, वहाँ कोई किसी भी वस्तु का संग कहाँ से होगा? तो परिच्छिन्नता न होने के कारण वो असंग और उदासीन है, और परिच्छिन्न न होने के कारण उसके साथ भोग का कोई संबंध नहीं है, और परिच्छिन्न न होने के कारण कर्म का संबंध नहीं है, और परिच्छिन्न न होने के कारण अंतःकरण बहिष्करण का संबंध नहीं है, परिच्छिन्न न होने के कारण देह का संबंध नहीं है, और जहाँ देह का संबंध नहीं है वहाँ प्रारब्ध कैसा? जहाँ कार्य नहीं, जहाँ करण नहीं, जहाँ कर्ता नहीं, जहाँ भोक्ता नहीं, जहाँ कारण अविद्या का लेश नहीं, तो वहाँ वहाँ प्रारब्ध कैसे हो सकता है? तो आचार्य शंकर कहते हैं, ये कर्माणि में जो बहुवचन है ना, बहुवचन कियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो संपूर्ण प्रकृति और प्राकृत माया और माइस का जो अधिपति है, वो पर भी अवर है, जिससे माने जिसमें परत्व अपरत्व का कोई भेद ही नहीं होता, उस प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न आत्माभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर कर्माणि माने संचित प्रारब्ध क्रियमाणादि रूपाणि, अंत न संचित कर्म है, न प्रारब्ध कर्म है, न क्रियमाण कर्म है, न प्रायश्चित्तादि रूप कर्म है। नारायण, तो ये जो कर्माणि में बहुवचन है, इसलिए है कि सब प्रकार के कर्म निषिद्ध हैं, निषिद्ध है माने बाधित हैं परमात्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में, ये कर्म का कोई भेद ही नहीं है। तो कर्म होते हैं करण से, हाथ के पांव से कर्म होगा, तो आत्मा के हाथ ही पांव नहीं है, हाथ पांव होते हैं शरीर में, तो शरीर ही नहीं है, शरीर चलता है अंतःकरण से, तो अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म में अंतःकरण ही नहीं है, अंतःकरण में कर्तापन की, भोक्तापन की भ्रांति होती है, परिच्छिन्न पने की, संसारी पने की भ्रांति होती है,
उसको अंतकरण ही नहीं है और ये भ्रांति होती है अविद्या से है? तो अविद्या ही नहीं है परब्रह्म परमात्मा में, तो प्रारब्ध की कथा कहाँ से आवेगी। उच्यते ज्ञर्बलात् तदानर्थद्वयागम वेदांत मतहानंत जते ज्ञान स्मृति। यदि अज्ञानी लोग बल से सिद्ध करें, बलपूर्वक युक्ति दें, प्रमाण दें और दिखाए दें कि जैसे ये प्रारब्ध है, और सपने में कोई आकर के सिद्ध कर दे कि ये प्रारब्ध है, तो बोले सिद्ध करने वाला भी स्वप्न पुरुष है, वही मिथ्या है, जिसने सिद्ध किया वही मिथ्या है। स्थान के ज्ञान से और स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में सपने में अगर कोई आदमी आके प्रारब्ध सिद्ध करे तो क्या है। एक बार एक बड़े मशहूर सज्जन है, वो आए, बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, लाखों उनके अनुयायी हैं, हमको मिले तो इनका मन था हमको चेला बनाने का। ये बात 26-27 वर्ष पहले के है, हमारा हाथ पकड़ के बिल्कुल एक काम न ले गए, बोले बैठ गए। मैं तो पंडित जी था, पंडित जी 26 बरस सन्यासी हुए हुआ, उसके पहले की बात, हाथ पकड़ के बैठा रहे। तो सुनो एक बात तुमको बताता हूँ, देखो हमारे पास ये आते हैं जिनको शंकराचार्य नमस्कार करते हैं, वो देवता आते हैं हमारे पास, वो ईश्वर आते हैं हमारे पास, वो भगवान आते हैं, है ना। और उन्होंने हमसे ये कहा है कि अमुक अमुक बात गलत है ना, इसको नहीं मानना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो भाई, ये जो वेदांत का सिद्धांत है ये शंकराचार्य के कहने से नहीं है, बोला ये अमुक देवता, अमुक दानी, अमुक वक्ता, अमुक आचार्य, अमुक पोथी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो ब्रह्म की अद्वैतता है, आत्मा से अभेद है, ये हमारा साक्षात अपरोक्ष अनुभव है। और जो शंकराचार्य तुम्हारे सामने आते हैं और जिनको वे प्रणाम करते हैं, है ना, वे दत्तात्रेय नारद कोई होंगे, है ना, तो वे प्रणाम करने वाले और जिनको प्रणाम किया गया सो, और जो उन्होंने तुमसे कहा सो, और तुम खुद है, और ये शरीर भी है ना, बिल्कुल स्वप्नवत भासमान है। इसमें व्यक्ति को महत्व दे करके तुम तत्व का निषेध कैसे कर सकते हो। मिट्टी से बना घड़ा और वो कहे कि मिट्टी नहीं है, अद्वैत आत्मा में दृश्यमान द्वैत कहे कि अद्वैत नहीं है, अध्यक्ष कहे कि अधिष्ठान नहीं है, स्वप्न पुरुष कहे कि स्वप्न का दृष्टा नहीं है, स्वर्प कहे कि रज्जू नहीं है, परिच्छिन्न कहे कि अपरिच्छिन्न नहीं है, खंड कहे कि अखंड नहीं है। आप देखो, विचार करके देखो, ये अधिष्ठान का ज्ञान तो बड़ा विलक्षण है ना। उसमें नारद भी अध्यस्त हैं, दत्तात्रेय भी अध्यस्त हैं, उसमें सुखदेव दामदेव आदि भी अध्यस्त हैं, है? उसमें वेद वैदिक मंत्र भी अध्यस्त हैं, उसमें तत्वमस्यादि महावाक्य भी अध्यस्त हैं। नारायण आप बोलो, तो अध्यक्ष कहे कि अधिष्ठान नहीं है, जिसने जो भाप रहा है ना। हम लोगों के गांव में कहते हैं कि जिसके घर में रह है उसी के घर में आग लगाओ, जिस पत्तल में खाए उसी में सेक करे। तो संपूर्ण खंड वस्तु जिस अखंड में रह रही है, संपूर्ण अंत वाली वस्तु जिस अनंत में दिख रही है,
संपूर्ण दृश्य पदार्थ जिस दृष्टा से सिद्ध हो रहे हैं वे उसी को है ना। दुनिया के सब रंग कहने लगे कि सूरज नहीं है, तो सब रंगों के कहने से सूरज का आभाव सिद्ध हो जाएगा है? अच्छा सारा गांव सारा पड़ोस आके तुमसे कहे कि तुम नहीं हो तो तुम मान लोगे? सारा गांव सारा गांव गवाही दे कि ये नहीं है, इनकी सत्ता नहीं है तो तुम मान लोगे? तो ये जो अखंडता है, ये जो पूर्णता है, ये जो अपरिच्छिन्नता है, ये जो अधिष्ठानता है, ये जो अनस्वरता है, ये इसी में तो सारे नश्वर सारे परिच्छिन्न सारे खंड सिद्ध हो रहे हैं। इसी अधिष्ठान में तो व्यक्ति अध्यक्ष होकर भाग रहा है। कोई भी व्यक्ति है ना, वो चाहे ब्रह्मा बोले, चाहे इंद्र बोले, चाहे रुद्र बोले, वो अपने अधिष्ठान का निषेध कैसे कर सकता है? तो उस अधिष्ठान की दृष्टि से न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न प्रारब्ध है, और न भ्रांति है, न अविद्या है। यदि द्वैत सिद्ध हुआ, यदि ये सिद्ध हुआ कि जीवात्मा आत्मा करता है और भोगता है, तो मोक्ष तो कभी होगा ही नहीं। आप ये बात ध्यान में रखो, यदि आत्मा सचमुच कर्म करने वाला है और सचमुच भोग भोगने वाला है तो स्वभाव की निवृत्ति तो नहीं हो सकती। आत्मा कर्तादि रूप से मांकांक्षी तरही मुक्तता नहीं स्वभाव भावानां यावर्ते तौष्णवद्रवे है। जैसे सूर्य को ठंडा नहीं किया जा सकता, उनका स्वभाव गर्म है, उनके स्वभाव को नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए जब कर्म करना आत्मा का स्वभाव हो और जब भोग भोगना आत्मा का स्वभाव हो तो ये कर्म और भोग की परंपरा में पड़ा रहेगा, कभी मोक्ष ही नहीं होगा, मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। और फिर ये बात माननी पड़ेगी कि कोई भी ज्ञानी पुरुष सृष्टि में हुआ नहीं है। ये दो अनर्थ जो है, अनर्थद्वयागम, ज्ञानी नहीं हुआ तो ज्ञानोपदेश कौन करेगा, और वेदांत जो अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करता है उसकी भी सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए उन स्थितियों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिनसे ज्ञान होता है, उनका विदूप कर लेना चाहिए, है ना। तुम्हें जाड़ा लगता है और स्थिति बता देती है कि आग तापो तो तुम्हारा जाड़ा मिट जाएगा, तो वो स्थिति जाड़ा मिटाने के लिए है, वो श्रुति ब्रह्म का निरूपण करने के लिए नहीं है। यदि श्रुति कोई बताती है कि ये काम करे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो वो स्वर्ग मिलाने वाली श्रुति है, वो अद्वैत प्रतिपादन करने वाली नहीं है। वो तो इतना ही बताती है कि देह के मर जाने के बाद ही आत्मा रहता है, इतना ही बताना उसका अभिप्राय है। तो ये देखना पड़ेगा कि श्रुति का अभिप्राय क्या है। तो जिससे अपने अखंडत्व का, अद्वितीयत्व का, परिपूर्णत्व का, अपरिच्छिन्नत्व का जिससे बोध हो गए उसका नाम श्रुति होता है। बोले अच्छा भाई ये ज्ञान हो गए कैसे? तो अब निधिध्यासन के निधिध्यासन का स्वरूप बताते हैं। निधिध्यासन के 15 अंग बड़े काम की चीज है, हो बड़े थे। ये नीत उपसर्ग है और इसमें विध्यासन जो है ना, विध्यासन ध्यान की इच्छा, जैसे जिज्ञासा है ना, ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा है, और पानी पीने की इच्छा पिपासा है, पान का पिपासा हो गया हो, त्याग करने की इच्छा जिहाता, आन की इच्छा जिहाता, पान की इच्छा पिताता, ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा विध्याता। ध्यान नहीं, ध्यान में लाने की कोशिश,
माने अद्वितीय ब्रह्म कैसा, जहाँ काल नहीं है, काल जिसमें कल्पित है वो कैसा, कितना कितनी उम्र होगी उसकी। आप देखो आपके अंतःकरण में काल की कल्पना होती है, तो काल की कल्पना के साक्षी आप हैं कि नहीं, कल्पना आती है और चली जाती है, आप सुखियों से तो रहते हैं। और कल्पना में कल्पित जो काल है उसके आप साक्षी हैं कि नहीं। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखना कि काल कल्पना के सिवाय और कहीं नहीं है, काल की आदि, काल का अंत, काल की अनादिता, काल की नित्यता, ये सारी कहाँ भासती है। आप अनादि काल का प्रत्यक्ष कर सकते हैं केवल कल्पित रूप से, और अनंत काल का प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो केवल कल्पित रूप से, काल की आदि और अंत जान सकते हैं तो केवल कल्पित रूप से। इसका मतलब ये हुआ कि जो कल्पना का साक्षी है वही कल्पना में कल्पीय काल का भी साक्षी है, क्योंकि काल वस्तुतः कुछ नहीं है, कल्पना कल्पीय ही है। अच्छा, दोस्तावर फोर आपको मिल सकता है इंद्रियों से, क्या इंद्रियों से तो नहीं मिल सकता, दोस्तावर फोर की कल्पना कीजिए तो कहाँ रहेगी, तो अंतःकरण में तो होगी ना। अच्छा, दो और फोर की कल्पना कीजिए, जिसमें और फोर नहीं है उसकी कल्पना कीजिए, तो वो भी कल्पना नहीं रहेगी। दो और फोर आपको कभी मिलेगा थोड़ी, और देश का और फोर भी कभी इंद्रियों से मिलेगा थोड़ी, तो देश का और फोर भी इंद्रियों से नहीं मिलेगा, और देश का दो और फोर भी इंद्रियों से नहीं मिलेगा, तो देश की केवल कल्पना ही तो करनी पड़ेगी ना चित्त में। तो जो कल्पना का साक्षी है वही कल्पना में कल्पित कल्प का भी साक्षी है। इसका अर्थ हुआ कि देश में जो व्यापकता है और काल में जो ये इस कल्पना का जो साक्षी है वही कल्प का भी साक्षी है, इसलिए ये साक्षी देश और काल की कल्पना से विनिर्मुक्त, देश की कल्पना से, देश काल की कल्पना से अस्पृश्य, ये ब्रह्म है ब्रह्म। जितना कार्य का, अच्छा कार्य का कहीं और छोर है, अच्छा कारण का कहीं और छोर, कार्य का अंत है, कार्य की आदि है, कारण की आदि है, कारण का अंत है, तो कार्य कारण की कल्पना है चित्त में, और उसमें कल्प जो कार्य कारण है, तो देखो कल्पना व छिन्न जो चैतन्य है वही कल्पीय काल है, देश है, द्रव्यावच्छिन्न चैतन्य भी वही है। जैसे आप देखो एक एक व्यक्ति की कल्पना करो आपके चित्त में, तो कल्पना जिस चेतन में है वो कल्पित व्यक्ति भी उसी चेतन में है कि नहीं, जो उस कल्पना का साक्षी है वही कल्पित व्यक्ति का साक्षी है, जो कल्पना का अधिष्ठान है वही कल्पित व्यक्ति का भी अधिष्ठान है, और जो कल्पना से अवच्छिन्न है वही कल्प्यावच्छिन्न है, कल्पनावच्छिन्न और कल्प्यावच्छिन्न, अंतःकरणावच्छिन्न और विषयावच्छिन्न, ये चैतन्य दो रंग होते हैं। देश रूप विषयावच्छिन्न और देश कल्पना अवच्छिन्न चैतन्य दो नहीं होते, काल कल्पना अवच्छिन्न चैतन्य और काल रूप विषयावच्छिन्न चैतन्य, ये दो नहीं होते, कार्य कारण कल्पना अवच्छिन्न चैतन्य और कल्प कार्य कारण अवच्छिन्न चैतन्य, ये दो नहीं होते। माने अहमर्थ रूप ही ब्रह्म जो है वो अहमर्थ का शोधित रूप ही है, शोधित रूप ही है, माने जो त्वम पद का अर्थ है वही तत्पद का अर्थ है, जो तत्पद का अर्थ है वही त्वम पद का अर्थ है, जो अहम पद का अर्थ है वही ब्रह्म पद का अर्थ है, जो ब्रह्म पद का अर्थ है वही अहम पद का अर्थ है, माने चैतन्य जो है वो अखंड अद्वितीय है। तो जिज्ञासा का अर्थ क्या हुआ, जरा अपने ध्यान में उसको लाइए, तो ध्येय चिंतायाम, ध्येय जो धातु है जिससे ध्यान शब्द बनता है उसका अर्थ है चिंतन, उसका अर्थ है चिंतन,
तो ये नहीं कहते कि ब्रह्म चिंतन का विषय है, ये कहते हैं जरा चिंतन की चेष्टा कीजिए, जरा चिंतन की कोशिश कीजिए कि है ना। ये अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य कहता है और अंतकरण में कल्पित विषय अवच्छिन्न चैतन्य यही है कि दूसरा है। तो जब कल्पना अवच्छिन्न और कल्पियावच्छिन्न चैतन्य जब ये कही है तो देश द्रव्य कालावच्छिन्न चैतन्य और देश द्रव्य काल कल्पना अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक है और अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न का कोई भेद नहीं है, तो ये बिल्कुल सोलह आने ब्रह्म है। तो अब ये जो निधिध्यासन है, नी माने नितराम पूर्ण रूप से, दिध्यासन माने ध्यान की चेष्टा, ये नहीं कि ध्यान में आ गया ब्रह्म, उसके ध्यान की कोशिश ही, उसके चिंतन की चेष्टा ही इतनी महत्वपूर्ण है कि वो संपूर्ण संशय को और विपर्यय को मिटा दे, वो असंभावना और विपरीत भावना को, विपरीत भावना और असंभावना को मिटा दे, संशय विपर्यय को मिटा दे। वेदांत भाई दर्शन शास्त्र है, चुटकुले का नाम वेदांत नहीं होता, कहानी का नाम वेदांत नहीं होता, उपाख्यान का नाम वेदांत नहीं होता, है ना। ये करो ये मत करो इसका नाम वेदांत नहीं होता, ये भोगो ये मत भोगो इसका नाम वेदांत नहीं होता, है ना। यहाँ जाओ वहाँ मत जाओ इसका नाम वेदांत नहीं होता, मैं तू नाम का मैं और तू का नाम वेदांत नहीं होता। तो अब पंद्रह अंग सुनाते हैं, पूर्वोक्त ही लब्ध है, इस पर ब्रह्म परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निधिध्यासन के अब पंद्रह अंग बताते हैं। तैश्च सर्वैः सदा कार्यम् निधिध्यासनमेव, इन पंद्रह अंगों से निधिध्यासन करना चाहिए। नित्याभ्यासादृते प्राप्तिर् न भवेत् सच्चिदात्मनः, तस्माद् ब्रह्म निधिध्यासेत् जिज्ञासु श्रेयसे चिरम्। हमेशा अभ्यास करना चाहिए, ये संसार का अभ्यास चिरकाल से हुआ ना, बड़े चिरकाल से कब से अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, देह मानते हैं, जात मानते हैं, प्रांत मानते हैं, संप्रदाय मानते हैं, प्रांत मानते हैं, राष्ट्र मानते हैं, है ना। छोटी छोटी चीजों में न जाने कब से टुकड़े में टुकड़े में टुकड़े में अपने मैं को डाल दिया है, वहां से निकालने के लिए उस टुकड़े में से अपने मैं को निकालने के लिए पूरा अभ्यास करना चाहिए, बुद्धि में उसको बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। बिना इसके सच्चिदात्मा का साक्षात्कार कैसे हो, इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए ब्रह्म का निधिध्यासन करें। अभी आप देखेंगे बड़ी विलक्षण महिमा है, नाम तो है सब साधनों के, परंतु इनकी व्याख्या जो है वो बिल्कुल नहीं है। यमो हि नियमस्त्यागो मौनम देशस्य कालतः आसनम मूलबंधस्य देह साम्यम चिदृक् स्थिति। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूलबंध देह साम्य दृक् स्थिति, प्राण संयम प्रत्याहार धारणा आत्म ध्यान समाधि। प्राण संयम अनंतो प्रत्याहारस्य धारणा आत्म ध्यान समाधिस्य प्रोक्तान्यंगानि वही क्रमात्। ये निधिध्यासन के अंग हैं। अब आपको ये बात सुनाते हैं, जैसे यम, इसमें यम है, यम तो पहले इसकी विशेषता आपके ध्यान में नहीं आ रही है, क्यों? यम शब्द का प्रयोग जैन संप्रदाय में भी चलता है, बौद्ध संप्रदाय में भी चलता है, हैं? और योग संप्रदाय में भी चलता है। गोरखनाथ आदि जो योगी हैं, पतंजलि आदि जो योगाचार्य हैं, वो भी यम शब्द का प्रयोग करते हैं।
धर्मात्मा लोग तो जमराजे ही एक मानते हैं, उनके लिए यम शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। एक तो पौराणिक यम होता है और एक यौगिक यम होता है, ये नाम सुन के लोग चकरा जाते हैं। तो जिसको जितना मालूम होता है, जिसको जितना मालूम होता है वो उससे आगे बढ़ने में हिचकिचाता है। हो जैसे आपको रास्ता जहां तक देखा हो वहां तक दो हिचक के चले जाएंगे, और आगे रास्ता में देखा हो तो थोड़ी हिचकिचाहट मालूम होगी ना। तो आदमी को कर्म का रास्ता मालूम है, भोग का रास्ता मालूम है, स्वर्ग की बात भी कितनी बार की सुनी हुई है, नरक की बात भी कितनी बार की सुनी हुई है, फिर ब्रह्मांड के भीतर जो ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है, शिवलोक है, उसकी बात भी सुनी हुई है, और कोटि कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि में जो ब्रह्मलोक है, विष्णुलोक है, शिवलोक है, उसकी बात भी सुनी हुई है, और सब में जो एक ईश्वर है उसकी बात भी सुनी हुई है। लेकिन ईश्वर अपना ऐश्वर्य वही तो प्रकट करता है जहां जीव हो और जगत हो। ईश्वर के जिस अंश में ईश्वर जीव और जगत से बड़ा है, तो जहां जीव और जगत नहीं होते हैं वहां ईश्वर अपनी ईश्वरता किसको दिखावेगा, अपनी ईश्वरता किसको दिखावेगा। तो वहां ऐश्वर्यहीन ईश्वर होता है, जहां जीव ना हो, जहां जगत ना हो, तो ऐश्वर्य भी ईश्वर की उपाधि हो जाती है। तो एक एक बात को समझने के लिए है ना थोड़ी अकल लगाने पड़ते हैं। तो ये जो जमपुरी में रहते हैं जमराज और पापियों को पाप का फल और पुण्य आत्माओं को पुण्य का फल देते हैं, उस यम की चर्चा नहीं है। और योग शास्त्र में जिस यम की चर्चा है ना, कौन सा, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, झूठ मत बोलो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, दूसरे के हक की चीज मत लो, ब्रह्मचर्य भंग मत करो, और जरूरत से ज्यादा परिग्रह मत करो, ये योग दर्शन में इसको यम बोलते हैं। यम यम माने जरा अपने आप को काबू नहीं करो, बस इधर उधर की चीज इकट्ठे करते रहे। ये कागज सड़क पर चलते हैं तो कागज मिला, टूटा मिला, कोई टूटा शीशा मिला, तो सबको इकट्ठा करते चलते हैं। ये पागल का लक्षण है कि नहीं? तो आप हंसते हैं, तो क्यों हंसते हैं कि बिना जरूरत की चीज इकट्ठा कर रहा है? आप इसको पागल समझते हैं, हंसते हैं? जरा आप अपने जीवन की तरफ भी देखें, है ना। तो हम आपको पागल कहने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं, लेकिन पागल को हम इसीलिए हंसते हैं कि वो बिना जरूरत की चीज इकट्ठी करता है। और किसी को बहुत भोगी देखते हैं तो कहते हैं भाई अब ये रोगी हो जाएगा, मर जाएगा, बेवकूफ है, इतना बहुत ज्यादा खाता है तो उसको बेवकूफ समझते हैं कि नहीं? कुछ ज्यादा खाए तो बेवकूफ समझते हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए, है ना। आपके हक की माल कोई ले जाए तो उसको चोर समझते हैं, और आप दूसरे के हक का माल ले लें तो अपने को चोर नहीं समझते हैं, ये क्यों है ना? ये भेदभाव क्यों है? आप तो कोई सतावे तो दुष्ट है, और आप किसी को सतावे तो आप बड़े सज्जन है? है तो वो यम की बात है, वो तो वो दूसरी चीज है। अब वेदांत का यम सुनिए, सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रिय ज्ञान संयम यमो यमिति संप्रोक्तो व्यतनीय मुहुर मुहु। Thank you.
ब्रह्मेति विज्ञानाद् इन्द्रियग्रामो संयमः यमो यमिति सम्प्रोक्तो व्यतनीयो मुर्मू सजातीयप्रवाहस्य द्विजातीयतिरकृतिः नियमो नियमाक्रियते बुधैः त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो हि महतां पूज्या सद्यो मोक्षयो यतः यतो जातो निवर्तन्ते अत्यन्मनोनिर्गम्यम् तद्भवेत् सर्वदा हृदा वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वत्पूर्वेण शक्यते प्रसन्तो वा तद्भवेन्मौनम् सतां सहज संयुतम् सा मौनम् दुबालाम् बात कर ले आपको ये सुनाता हूँ कि जीवन में अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। कोई भी बालक कोई भाषा पढ़ने लगे और शब्दों का वाक्यों का अभ्यास नहीं करे, अक्षरों को दोहरावे नहीं, शब्दों को दोहरावे नहीं, वाक्यों को दोहरावे नहीं, तो उसको किसी भाषा का अभ्यास नहीं कर सकता। विकार प्रकृति में स्वयं आते हैं और प्रयत्न करके उसका निवारण करना पड़ता है। यदि आप इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन का ठीक ठीक निर्वाह नहीं कर सकते। जैसे है जब बुढ़ापा आने लगता है, बुढ़ापे का कोई अभ्यास करना पड़ता है कि हमारे जीवन में बुढ़ापा आए? तो खुद आता है, न चाहने पर भी आता है। लेकिन अच्छा भोजन करके, व्यायाम करके, टहल के, औषध करके है? और कुछ नहीं हुआ तो तेल सुनेल लगा के, थोड़ा उत्तम साबुन लगा के, मूछ बना के, दाढ़ी बना के अपने को जवान रखने की कोशिश की जाती है। जब शरीर लटकने लगता है तो जानबूझ के लोग बताबात कम से चलते हैं,